हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल स्पीक द लव्स पर। आज मैं आपको बहुत ही इजी और सिंपल सा पर बहुत ही ट्रेंडी ये ब्लाउज की नेक डिज़ाइनिंग करना सिखाऊंगी। इसे बनाना एकदम इजी है, आप इसे बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं आपको सिखाती हूँ कि इसे बनाना है। तो मैंने इस तरीके से रेड ब्लाउज कट कर लिया है, जिसका शोल्डर है 8 इंचेस, ठीक है, और लेंथ है 14 इंच की। तो मैं यहाँ पे नेक ले लूँगी 3 इंच पर, और इसकी जो लंबाई होगी 3.5 इंच। मार्किंग करके मैं यहाँ पे राउंड शेप दे दूँगी इस तरीके से। अब इसके बाद हम नेक डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ से यहाँ तक 8 इंच पे मार्क कर लूँगी। इस तरीके से मार्किंग करते हुए यहाँ पे मैं 3.5 पे मार्क कर लूँगी और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी, और यहाँ भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और इसे भी 3.5 पर ही मार्क कर लूँगी। फिर सीधी लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बना लूँगी। अब यहाँ से मैं 1 इंच पे मार्क लगाऊँगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब कर्व शेप दे दूँगी इस तरीके से और इस तरीके से। अब इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम सारे शेप को कट कर लेंगे, नेक को भी यहाँ से कट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है दोस्तों इसे बनाना, आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। इसे मैंने कॉटन ब्लाउज पर बनाया है, तो मैं खोल के दिखाती हूँ। ये शेप कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो चलिए अब हम, मैंने यहाँ पे गोल्डन पट्टियाँ, तिरछी पट्टियाँ काट ली है। अब मैं इसमें पाइपिंग करूँगी, ठीक है। तो मैं बहुत सारी पट्टियों को कट करके ज्वाइन कर लूँगी, क्योंकि ये छोटी छोटी पट्टियाँ थी। तो इस तरीके से कट करके मैं ज्वाइन करके एक लंबी पट्टी तैयार कर लूँगी। अब इसे सीधा रखते हुए पट्टी को उल्टा 1/2 इंच दबाते हुए 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए खींच खींच के मैं चारों तरफ स्टिच करते जाऊँगी इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पे 1/2 इंच काट के मैंने पूरा स्टिच कर दिया। अब इसे फोल्ड करके मैं यहाँ पे किनारे किनारे से स्टिचिंग लगाते जाऊँगी। पाइपिंग करना दोस्तों आप सबको तो आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस तरीके से पूरा मैंने पाइपिंग कर लिया। आप पाइपिंग करने के बाद मैं इसको दिखाऊँगी कि कैसा दिखाई देता है। देखिए यहाँ पे फोल्डिंग एरिया में अच्छे से आप सिलाई कर लीजिए। तो ये देखिए अब मैं इसे पलट कर एक और सिलाई लगा दूँगी 1/2 इंच छोड़कर, ताकि इसका जो कपड़ा है अंदर से बाहर ना निकले और एकदम अच्छे से ये फिट हो जाए। ये देखिए ये इस तरीके से शेप बन गया। अब मैं नीचे की तरफ पट्टी ज्वाइन कर लूँगी। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी काट ली है, लंबी पट्टी काट ली है लगभग 17 इंच की, ठीक है, और यहाँ से सिलाई कर ली है। अब मैं यहाँ पे डॉट बना लूँगी, यहाँ पे ऐसे दोनों साइड मैं स्टिच कर दूँगी इस तरीके से। अब इसके बाद मैं उस पट्टी को यहाँ पे अटैच कर दूँगी, इस तरीके से रखूँगी उल्टा करके और सिल दूंगी। अब एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल दिया है मैंने। अब इसे पलट कर इसके ऊपर एक टॉप स्टिच कर दूंगी। दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये हो गया, मैंने इसे स्टिच कर दिया। अब इसे हम डेकोरेट करेंगे, ठीक है।
देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कुछ दूरी पर मोतियाँ अटैच की है, लगभग एक एक इंच की दूरी पर निशान लगा लिया है। मैं आपको कुछ ज्वाइन करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको ऐसे कॉर्नर से स्टिच करके एकदम ऊपरी भाग में आपको सुई को, धागे को लाना है और यहाँ पे मोती डालनी है। अब देखिए इसको स्टिच करने का तरीका, एकदम अंदर से डालना है और फैब्रिक के अंदर ही आपको स्टिच करके एक इंच पर यहाँ पे निकाल लेना है। देखिए दोनों तरफ मेरी सिलाई नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, अंदर में आपका धागा रहेगा। अब एक इंच के बाद मैं ये दूसरी मोती डाल दूंगी। इसी मेथड को अप्लाई करते हुए मैंने इसे पूरा फिल किया है। तो दोस्तों ये बहुत ही ईजी और कम समय में बनने वाला पर बहुत ही ट्रेंडी और नया मैंने डिज़ाइन क्रिएट किया है। आई होप सो आप लोगों को भी पसंद आया होगा। तो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको मेरे डिज़ाइन कैसे लगते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एकदम नए नए डिज़ाइन लाती हूँ, तो सो प्लीज़ दोस्तों अगर आप मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए इसका फाइनल लुक ये इस तरीके से दिखाई देता है दोस्तों, बहुत ही ईजी है बनाना, मैं बार बार कह रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।